अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुक विद सारा। आज हम आपके साथ फ्रूट चाट की स्पेशल लेकिन सिंपल और इजी सी रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपके साथ एक चैनल की प्रमोशन करेंगे और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। जैसे कि आजकल आप लोगों को पता है कि ग्रो ग्रीन की मुहिम पाकिस्तान में बहुत चल रही है और ये बहुत ही अच्छी बात है। प्लांटेशन हमें करनी भी चाहिए। बाज़ लोगों को शौक़ भी होता है और बाज़ लोगों की ये हॉबी भी होती है, तो उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। फैंसी फ्रूट चाट बनाने के लिए यहाँ पे हमने दो अमरूद लिए हैं और उन्हें पील कर लिया है। साथ ही यहाँ पे हमने 5 केले लिए हैं। केले क्योंकि छोटे थे इसलिए हमने 5 लिए हैं। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑरेंज हैं जिनका हम जूस निकालेंगे और यहाँ पर हमारे पास है 1 सेब। सबसे पहले हम ऑरेंज का जूस निकाल लेंगे। ऑरेंज विटामिन सी से भरपूर होता है और आजकल ऑरेंजेस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, तो इस नेमत से भरपूर फ़ायदा उठाइए। जो बच्चे फ्रूट खाने से कतराते हों तो उनको ये आसान सी चाट बना के दें। जूस को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हसबे ज़ायका चीनी। हम यहाँ पे 4 टेबल स्पून चीनी डाल रहे हैं। अब इसमें डालेंगे हसबे ज़ायका नमक और 1/2 टीस्पून काली मिर्च। अब इसे मिक्स कर लेंगे। काली मिर्च ऑप्शनल है, आप चाहें तो चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। केले हमने कट कर लिए हैं, आप केलों को इसमें डाल देंगे। अमरूद के इस तरीके से छोटे छोटे पीस कर लेंगे, बिल्कुल छोटे छोटे, और बीच में से इसके बीच निकाल लेंगे। अब इसमें डाल देंगे अमरूद। अब हम सेब कट कर लेंगे। बहुत ही सिंपल और इजी सी चाट है और अब इसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। बिल्कुल छोटे छोटे पीस करेंगे। चाट बनाते वक्त फ्रूट को काटते ही डायरेक्ट हमें ऑरेंज के जूस में डालना है, वरना फ्रूट का कलर चेंज हो जाएगा। एप्पल्स को हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है, अब इसे भी डाल देंगे ऑरेंज वाले जूस में और अब इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखा आपने कैसे 5 मिनट में हमारी सिंपल और इजी सी चाट तैयार हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो थम्स अप दें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। हैव अ नाइस डे।